सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक फ्रेश नए वीडियो में। तो यहाँ पर आप सभी को मैं सबसे पहले बता के रख दूंगा, इस आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का रहने वाला है। अब आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट में कोलैबोरेशन रहने वाला है ट्रिपल ए का। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मेरे भाई, यहाँ पर कोलैबोरेशन स्पेशल जितने सारे आइटम आप लोग को देखने मिलने वाला है, उन सारे आइटम का रिव्यू आ गया है मेरे पास। एंड साथ ही साथ में गाइस आप लोग को बता के रख दूं, कोलैबोरेशन का टाइम पे एक नया फिस्ट का स्किन भी आप लोग को देखने में मिलने वाला है। तो आज आप लोगों को मैं इसके ऊपर पूरा अपडेट देने वाला हूँ, क्या कुछ फ्री में मिलेंगे और भाई क्या कुछ आइटम आप लोग को देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ में गाइस एक बार बात कर लेंगे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़। और गाइस साथ ही साथ में आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में कहा था कि भाई फ्री फायर का इंडिया वर्जन आप लोगों को बहुत जल्दी में प्ले स्टोर में देखने मिलने वाला है। तो इसके ऊपर आप में से कुछ सारे भाई लोगों को अभी भी डाउट है कि भाई इसका कुछ प्रूफ दो। तो आपको तो पता है कि मैं बिना प्रूफ के कुछ भी अपडेट आप लोगों को मैं नहीं देता। तो भाई आज आप लोगों को मैं इसका भी प्रूफ देने वाला हूं कि भाई फ्री फायर का इंडिया वर्जन आप लोगों को प्ले स्टोर में बहुत जल्दी में अवेलेबल कराया जाने वाला है। बाकी गाइस देखो, मेरे पास और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को मैं वीडियो में आगे देने वाला हूं। तो गाइस देखो, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो का आप लोग बिल्कुल शुरू से एकदम एंड तक फुल वॉच कर लेना बिना स्किप करके। और भाई वीडियो को आप लोग प्लीज एक लाइक कर देना। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो यहाँ पर वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो की अपने मे मंथ इलाइट पास के रिव्यू के ऊपर निकल कर आता है। तो इलाइट पास के अंदर आप लोग को क्या कुछ आइटम वगैरह मिलने वाला है आप लोग गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप लोग पूरा इलाइट पास का रिव्यू देख लो कि गाइस आप लोग को क्या कुछ आइटम वगैरह मिलने वाला है। एंड उसके बाद आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि भाई आप लोगों को मे मंथ इलाइट पास का रिव्यू कैसा लगा। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को व्हीकल का स्किन, गन स्किन एंड गाइस आप लोगों को अवतार बैनर ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद गाइस ये होने वाले मेन फीमेल बंडल, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिया जाने वाला है। बाकी देखो, बंडल को पर उतना कुछ खास एनिमेशन तो आप लोग को देखने में नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सा बंडल यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। उसके बाद गाइस आप लोग को फिर से वही गन स्किन वगैरह मिलेंगे, हालांकि इसके अंदर आप लोग को एट्रीब्यूट तो देखने में नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सा बस थीम स्किन रहने वाला है। और गाइस यहीं से शुरू होता है इलाइट पास का मेन एंड रियर आइटम जो कि होने वाला है। पहला तो आप लोग को ये वाला सर्प बोट का स्किन मिलने वाला है। उसके बाद गाइस देखो, आप लोग को ये वाला ग्रेनेड का स्किन मिलने वाला है, जिसका यार एनिमेशन बहुत ज्यादा हार्ड दिया गया है। तो इसके बाद गाइस आप लोग को मिलने वाला है इलाइट पास के अंदर दिए जाने वाले एक नया लूट बॉक्स। अब गाइस देखो, लूट बॉक्स कुछ ऐसा रहने वाला है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग को मिलने वाला है रियर बैकपैक का स्किन, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिया जाने वाला है। तो बैकपैक के बाद गाइस यहां पर बात कर लेते हैं मेल बंडल के बारे में। एंड गाइस देखो, यहां पर मेल बंडल कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एंड गाइस देखो, आपको बता के रख दूं यार, मेल बंडल के ऊपर थोड़ा सा काम किया गया, लेकिन वही सिंपल बंडल आप लोग को मिलेंगे, एनिमेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मे मंथ इलाइट पास के पूरा रिव्यू आप लोगों को मैंने करा दिया हूं। तो अभी आप लोग बताना कि आप लोगों को इलाइट पास का रिव्यू देखने में कैसा कुछ लगा है। तो चलो यार, अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपकमिंग कुछ और अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर गाइस अपना नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है अपने आने वाले नेक्स्ट इनक्यूबेटर को लेकर। तो यहाँ पर गाइस देखो, आप लोग चार पैराफल गन स्किन देख पा रहे हो। यही वाला गन स्किन आप लोग को नेक्स्ट में इनक्यूबेटर के अंदर देखने में मिलने वाला है, और जिसमें से गाइस सबसे पहले टॉप गन स्किन आप लोग को कुछ देख सकते हो, कुछ ऐसा एनिमेशन रहने वाला है अपने पैराफल गन में टॉप गन स्किन का, जिसको लेने के लिए आप लोगों को लगभग 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लू पिन की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस देखो, गन स्किन के अंदर आप लोगों को दिया गया है सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है डबल डैमेज। बाकी गाइस देखो, हर बार यही होता है कि भाई एट्रीब्यूट के अंदर बस थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को चेंजमेंट देखने में मिलता है, कहीं पर डैमेज का अंतर होता है, कहीं पर आर्मर पेनिट्रेशन तो कहीं पर रेट ऑफ फायर। तो यही कुछ घुमा फिरा के आप लोगों को वही एट्रीब्यूट फिर से वापस लाया जाता है। तो गाइस देखो, ऐसे कुछ सीन इस बार भी होने वाला है। और गाइस आप लोगों को मैंने गन स्किन के साथ में पूरा एट्रीब्यूट का भी रिव्यू करा दिया हूं कि भाई कौन से गन स्किन के अंदर कौन से वाले एट्रीब्यूट दिया जाने वाला है। एंड अगर आप लोग को इन चारों गन स्किन में कुछ भी गन स्किन पसंद आता है तो अपने गेम के अंदर आप लोग को नेक्स्ट में पैराफल गन स्किन का ही इनक्यूबेटर देखने में मिलने वाला है, तो उस टाइम आप लोग को परचेस कर लेना। तो चलो गाइस, अभी हम लोग वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आने वाले अपने गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो चलो यहां पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर के इंडिया वर्जन के बारे में। सो यहां पर आपको मैंने कल के वीडियो में जब कहा था कि भाई फ्री फायर का इंडिया वर्जन आप लोग को आने वाले OB34 के अपडेट से पहले ही प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाने वाला है, और इस मुद्दे पे बात करने के बाद ही गाइस आप में से लगभग 4 से 5 भाई लोगों ने मुझे कमेंट की हो कि भाई इसके ऊपर कुछ प्रूफ दो ताकि हम पूरा विश्वास करें। अब गाइस देखो, आपको मैं बिना प्रूफ के कुछ अपडेट देता ही नहीं हूं। तो यहां पर गाइस देखो, आप लोग एक स्क्रीन शॉट देख पा रहे हो जहां पर गाइस फ्री फायर सिर्फ और सिर्फ 400 MB में अपने प्ले स्टोर के अंदर बैक आने वाला है। और सबसे पहले तो आप लोग यहां पर रेटिंग स्टेट चेक करो एंड उसके बाद आप लोग यहां पर रिव्यू चेक करो। उसके बाद ही अगर आप लोगों को किसी में से बोलना यह है कि भाई ये स्क्रीन शॉट फेक है, तो आप लोग यहां पर रेटिंग स्टेट वगैरह चेक कर लेना। तो यहां पर गाइस देखो, पूरा स्क्रीन शॉट देखने के बाद अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि भाई ये स्क्रीन शॉट फेक है या फिर इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह हुआ है, तो आप लोग को बता दूं, आपके पास अगर कोई दूसरा मोबाइल है जिसमें फ्री फायर गेम नहीं है, तो उस मोबाइल में आप लोग मलेशिया VPN डाउनलोड करना। एंड मलेशिया VPN डाउनलोड करने के बाद गूगल प्ले स्टोर में जाके उसका डेटा को क्लियर कर देना, और फिर उसके बाद आप लोग VPN कनेक्ट करने के बाद आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके दूसरा किसी जीमेल से लॉगिन करके वहां पर सर्च करना गरना फ्री फायर। तो आप लोग को यही वाला गरना फ्री फायर देखने में मिल जाएंगे, जिसका स्क्रीन शॉट अभी आप लोग को मैंने तुरंत दिखाया हूं। तो भाई देखो, अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस तरीके से आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। बाकी देखो, यहां पर मेरा काम था आप लोग को प्रूफ देना, क्योंकि आप लोगों ने प्रूफ मांगे थे। हालांकि सबने तो नहीं मांगा था, बस यार 4 या फिर 5 कमेंट मेरे पास आए थे इसके ऊपर कि भाई हमको प्रूफ
प्रूफ चाहिए, तो आप लोग मैंने प्रूफ दे दिया। और यहाँ से गाइस आप लोगों ने खुद से देखो कि भाई फ्री फायर अभी सिर्फ और सिर्फ 400 MB का होने वाला है। तो आप लोगों को गाइस बता के रख दो, फ्री फायर जब 400 MB का हो जाएगा तो आप अपने 2GB RAM 3GB RAM के मोबाइल में बड़े आसानी से खेल सकते हो। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि भाई 400 MB का गेम खेलने में आप लोगों को नहीं तो अपने मोबाइल में लैग, हैंग या फिर हीटिंग इशू, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम देखने में नहीं मिलेगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते कि भाई कब तक अवेलेबल कराया जाएगा अपने प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर आप लोगों को बता के रख दो गाइस आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर ही अपने प्ले स्टोर में आप लोगों को फ्री फायर का ये नया वर्जन देखने में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ्री फायर के इंडिया वर्जन को लेकर जितने सारे डाउट थे आज आप लोगों को मैं पूरा क्लियर कर दिया। अगर कुछ और भी हो तो यार कमेंट में पूछ लेना, कल के वीडियो में बता दूंगा। तो चलो यार अभी हम लोग बात कर लेते फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट कोलैबोरेशन की। यहाँ पर गाइस फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट में कोलैबोरेशन होने वाले AAA का। अब देखो ये बिल्कुल WWE की तरह ही है। और गाइस देखो यहाँ पर कोलैबोरेशन स्पेशल बहुत सारे आइटम वगैरह निकल कर आया है। एंड गाइस देखो मेरे पास सारे आइटम का पूरा रिव्यू है, तो आप लोग को मैं पूरा रिव्यू कराऊंगा। और भाई इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ फ्री में मिलेंगे ये भी बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर कोलैबोरेशन का ट्रेलर वगैरह देख सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाला है। बाकी देखो यहाँ पर आप लोग को पता चल ही रहा है कि भाई ये बिल्कुल WWE की तरह ही होने वाला है। और ये जो गाइस कोलैबोरेशन होने वाला है ये आप लोग को अब तक अपने गेम के अंदर देखने में मिल चुका होता, लेकिन गाइस आपको पता है कि भाई फ्री फायर में OB33 का अपडेट आया ही नहीं, जिसके लिए गाइस इसको डिले कर दिया गया था इस वाले कोलैबोरेशन के इवेंट को। अभी गाइस आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने में मिलने वाला है ये वाला कोलैबोरेशन का इवेंट। गाइस अब देखो कुछ टाइम तो लगेगा इसको आने में अपने गेम के अंदर। तो यहाँ पर गाइस चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आइटम के रिव्यू के बारे में कि आप लोगों को क्या कुछ आइटम वगैरह देखने में मिलने वाला है। तो सबसे पहले गाइस देखो ये वाला मेल का बंडल आप लोगों को देखने में मिलने वाला है कोलैबोरेशन स्पेशल। तो यहाँ पर गाइस देखो मेल का बंडल देखने में तो उतना हार्ड नहीं लग रहा है, पर गाइस यहाँ पर बंडल यार थोड़ा सा बकवास टाइप का दिया गया, पर कुछ अजीब टाइप का दिया गया, लेकिन खैर कुछ भी हो उसके बाद आप लोगों को ये वाला फीमेल बंडल देखने में मिलने वाला है कोलैबोरेशन स्पेशल। एंड यहाँ पर गाइस देखो आपको पता है कि भाई फीमेल बंडल आप लोगों को हर बार फ्री में ही मिलता है कुछ भी इवेंट आ जाए। और इसके बाद गाइस आप लोगों को कोलैबोरेशन स्पेशल ये वाला फिस्ट का स्किन देखने में मिलने वाला है, जिसका लुक कुछ इस तरीके से दिया गया है। बाकी देखो फिस्ट के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है एंड गाइस इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब बार ये ग्लूवल की, तो आप लोग यहाँ पर ग्लूवल देख सकते हो, ग्लूवल कुछ इस तरीके से देखने में मिलने वाला है कोलैबोरेशन स्पेशल का ग्लूवल। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर आप लोग को 2 इमोट दिया जाने वाला है, जिनमें से गाइस पहला इमोट तो कुछ ऐसा रहने वाला है। गाइस ये वाला इमोट आप लोग को मिलने वाला है कोलैबोरेशन का टाइम पे। उसके बाद गाइस आप लोग को ये वाला इमोट मिलने वाला है। एंड गाइस आप लोग को मैंने ये वाला इमोट का रिव्यू कल किया था और भाई आपको बताया था कि वे एक कोलैबोरेशन का इमोट रहने वाला है। तो बाकी गाइस देखो यहाँ पर दोनों इमोट ही सही दिया गया है, लेकिन भाई यहाँ पर गाइस इमोट का एनिमेशन बढ़िया लगा मुझे पहले वाला इमोट का। सेकंड वाला इमोट गाइस यहाँ पर उतना भी बढ़िया नहीं था। हालांकि कुछ भी हो गाइस आप लोग को ये वाला बैकपैक भी मिलने वाला है कोलैबोरेशन का टाइम पे ही। और साथ ही साथ में गाइस आप लोग को ये वाला पेट मिलने वाला है अपने फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट कोलैबोरेशन का टाइम पे। तो गाइस देखो इतना कुछ आइटम वगैरह आप लोग को मिलने वाला है फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट कोलैबोरेशन रिवॉर्ड्स में। तो अब बात कर लेते हैं फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। आपको मैंने फीमेल बंडल पहले ही दिखा दिया हूं कि भाई फीमेल बंडल आप लोग को मिलने वाला है फ्री में। एंड गाइस देखो ये वाला इमोट आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट कोलैबोरेशन पे। बाकी गाइस देखो यहाँ पर आप लोग को मैंने पेट भी दिखाया हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप लोग को पेट का स्किन बिल्कुल फ्री में दे दिया जाए। और गाइस देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्री आइटम्स है अपने फ्री फायर के साथ में नेक्स्ट कोलैबोरेशन का, जो कि आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो पर रिव्यू वगैरह करा दूंगा। और गाइस देखो एक वीडियो में बात करने से यार वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो पर पूरा रिव्यू करा दूंगा। सो गाइस मेरा वीडियो आज कहीं तक था, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन पर सेट कर देना। किस तरीके का कंटेंट आप लोग को हर दिन मेरे चैनल पर देखने में मिलता रहेगा। सो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट जरूर कर देना।